नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि प्राणचंद चौहान का जीवन परिचय। भक्ति काल के महान कवि थे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे कार्यक्रम को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्राणचंद चौहान भक्ति काल की कवि थे। वे रामायण महानाटक के रचयिता। इनके व्यक्तित्व पर पर्याप्त विवरण नहीं मिल पाया है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संस्कृत में रामचरित्र संबंधित कई नाटक हैं, जिनमें से कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार है और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। इसी पिछली पद्धति पर संवत 1667 सन 1610 ईस्वी में प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक लिखा था उन्होंने। तो उनकी कुछ लाइनें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, संस्कृत में रामचरित संबंधित कई नाटक हैं, जिनमें तो कुछ नाटक के साहित्यिक नियमानुसार और कुछ केवल संवाद के रूप में होने के कारण नाटक कहे जाते हैं। इस पद्धति पर संवत 1667 में प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक लिखा। रचना कवि इस प्रकार है। कार्तिक मास पक्ष उजियारा, तीरथ पुण्य सोम कर वारा, तादिन कथा किन्हीं अनुमाना, शाह सलीम दिलपति थाना, संवत सोहत सैसत साठा, पुण्य प्रया प्रगाय पाय भय नाठा, जो शारद माता कर दाया, वर्णों आदि पुरुष की माया, जे ही माया कह मुनि जग भूला, ब्रह्मा रहे कमल के फूला, निकसी ना सख माया कर बांधा, देश हु कमल नाल के राधा, आदि पुरुष बरनौ के हिभाति, चांद सूरज तह दिवस न राति, निर्गुण रूप करे शिव ध्याना, चार वेद गुण जेरी बखाना, तीनों गुण जाने संसार, सिरजे पाले भंजन हारा, श्रवण बिना सो सह बहुगुना, मन में होई सु पहले सुना, देशे सब पे आही न आशय, अंधकार चोरी के साशे, ते ही कर दहु को करे बसाना, जी ही कर मरमर भेद ना ही जाना, माया शिव को कौ ना पारा, शंकर पवरी बीच होई हारा। तो दोस्तों, ये उनके जो है कुछ लाइनें थी जो मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो जानकारी दी वो ज़रूर अच्छी लगी होगी। हालांकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे कुछ विश्वसनीय सूत्रों से मुझे पता लगा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।